दोस्तों आप देख रहे हैं बाबा दर्शन न्यूज़। बाबा दर्शन न्यूज़ से मैं इनामुल्ला खां। कुदरा थाना के ग्राम रामपुर में एक विवाहिता के मारने का मामला संज्ञान में आया है। विवाहिता 6 माह की गर्भवती भी थी। विवाहिता का नाम नीतू कुमारी है। उनकी बहन पूजा कुमारी ने केस दायर किया है। उनका कहना है कि मेरी बहन की 2020 में हिंदू रीति रिवाज के साथ जो हमारे पिताजी की हैसियत थी, उस हिसाब से उनकी शादी कामेश्वर सिंह के बेटे सर्वजीत कुमार से की गई थी। जहां पर इस लड़की को प्रेग्नेंट होने के बावजूद आप देख सकते हैं कि अभी पेट में बच्चा है, जो क्लियर आपको देख सकता है, लाश के अंदर अभी बच्चा जला नहीं है। और लाश जलाकर सभी जो है उसके बाप मम्मी और सब लोग इसमें संलग्न हैं, और ग्रामीण क्षेत्र के कुछ लोग भी हैं जिसको ये जलाने में मदद पहुंचाए हैं, और हम लोग को किसी को खबर नहीं किया गया है। और ससुराल वाले हमेशा उस हमारी बहन को प्रताड़ित करते थे। केस नंबर 47/2024-22/2024 US नंबर 302-304-B-201-34 IPC के द्वारा मामला दर्ज कर लिया गया है। पूजा कुमारी ने आरोप लगाया है कि हमारी बहन के साथ सब लोग दहेज को लेकर मारपीट करते थे। उसकी तबीयत भी लगातार खराब रहने लगती थी। मारपीट करने लगते थे तो वो आकर मैके रहने लगी। और लगभग 10 से 15 दिनों के भीतर लोग दहेज की मांग कर रहे थे, जिसमें लोग बता रहे थे कि अगर आप नहीं देंगे तो मार देंगे। उसके बावजूद हम लोगों ने सोचा कि लड़की के जो पिता हैं वो भी इस दहेज के कारण मार जा चुके हैं। हार्ट उनका जो है हार्ट फेल हो गया था ऐसे कुछ दिन पहले, शादी 2020 में किया गया था। लड़की बहुत नाजुक थी, 19 वर्ष की उम्र में शादी किया गया है। लगभग ये 24-25 वर्ष की लड़की है। और आज से करीब 20 दिन पहले ससुराल गई थी। जाने के बाद उसके सारे गहने ताला तोड़कर ले लिए गए, और आज मुझे पता चला कि दहेज के कारण उसकी हत्या कर दी गई है। और गांव रामपुर से पश्चिम दिशा में सड़क के किनारे मेरी बहन की लाश को जलाया जा रहा है। बहुत बार प्रताड़ित किया गया था, तो उसको मारा गया, इस तरह से मारा गया है। अब अनुमान लगाया जा सकता है कि फांसी लगाया गया होगा, जैसे हम सोच रहे हैं, जैसा दृश्य दिख रहा है, और पेट में बच्चा भी है। और बताया गया था, मॉर्निंग में ही कॉल किया गया था, सुबह में 8:30 के आसपास उसके मम्मी के पास, पापा तो नहीं है, मम्मी बाहर में कमाती हैं। उसके बाद उन्होंने बोला था कि हम आपके जो भी होंगे वो दे देंगे। दहेज देने के बाद भी इसको प्रताड़ित किया जा रहा, तो महिला को जो कि जिसके खुद पति नहीं है, एक छोटा बच्चा है और एक लड़की है इसकी बहन, मार दिया गया है, जान से मारा गया है। और इस प्रकार मारा गया कि अब आप देख सकते हैं इस चीज को, आप देखिए इस चीजों को और थोड़ा संज्ञान लेंगे। हम चाहेंगे कि SP सर अगर हमारी बातों को आप सुन रहे होंगे। मेरा नाम जो है ये लड़की के हम मामा के लड़के हैं, मेरा नाम रजनीकांत पड़ेगा और हम महरोड़ से हैं। जब हम लोग खबर किया गया, लड़की के जो मम्मी है वो बाहर में कमाती है, सूरत में कमाती है और कमा के अपना परिवार चलाती है। तो हम लोग खबर जब हुआ तो हम लोग आए, देखिए तो लाश को जला दिया गया था, उसका वीडियो हमारे पास है। लगभग आधे घंटे हम लोग लेट पहुंचे और हमने SP साहब को भी कॉल कर दिया, SHO साहब को कॉल कर दिया। लगभग 2 घंटे होने को अभी कोई आया नहीं है, और हम चाहेंगे कि जल्द से जल्द लोग पहुंचे, जिसको इसको इस लड़की को इंसाफ मिल सके, उस माँ को इंसाफ मिल सके जिसने इसको जन्म दिया है और इसके पेट में खुद एक बच्चा पल रहा है।